नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता फार्मासिस्ट के आवाज़ आपकी आवाज़ में, आपके आवाज़ के माध्यम से बताऊंगा। बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं जो 12th इन्होंने पास कर लिया है, मेरे पास लगातार उनका मैसेज आ रहा है कि हमने 12th कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इन तमाम सारे सवाल जो है आए दिन आते रहती है, जिसकी वजह से मैं वन टू वन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी फार्मा यानी बी फार्मा को हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। यानी ये 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर इसमें आती है। और ये इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको या तो पीसीबी या तो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। और आपके 12th में मार्क्स 45-50% जो बहुत सारे जो कॉलेज है, जैसे अमित यूनिवर्सिटी, जामिया, दिपसार, ऐसे बहुत सारे तमाम बड़े बड़े कॉलेज हैं जहाँ पे आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन 60% आपको होना अनिवार्य है। उसके बाद उसके यदि आपके 60% नहीं है तो इनसे जैसे कॉलेज में यानी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। पर जो बेसिक जो परसेंटेज है वो 45-55% है। और ये टोटल 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर है, और इसमें तमाम सारी चीज़ें जो होती है कवर की जाती है। और लास्ट एक जो सेमेस्टर होता है जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, या तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब रही बात, अब इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, ज़्यादा अभी यदि अभी जो हालात हैं जो जिस तरह की है, मैं किसी तरह का ब्लाइंड पिक्चर शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि इन कंपेयर टू बीटेक, यानी बीटेक भी 8 सेमेस्टर का कोर्स है, यदि बीटेक की प्लेसमेंट देखे और बी फॉर्म की प्लेसमेंट देखे तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि बी फॉर्म में उतनी ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यदि आप बी फॉर्म चाहते हैं कि मैं बी फॉर्म करूँ और इंडस्ट्री में जॉब करूँ, तो आपको इंडस्ट्री में कुछ उतना खास पैसा नहीं मिलेगा इन कम्पेयर टू बीटेक। क्योंकि इंडस्ट्री में जो है मैक्सिमम जो हमारे भारत में जो इंडस्ट्रीज है वो लो जो बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं। और बहुत सारे इंडस्ट्री में यदि आप यदि इच्छुक हैं जाना, तो 10 से 15 हज़ार यानी 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार या 20 हज़ार ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर वेरी करती है। यदि आप जाना चाहते हैं बी फॉर्म के बाद भी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऑप्शन हैं, जिससे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, क्वालिटी एंड डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट है, जैसे तमाम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स, तमाम सारे डिपार्टमेंट्स इंडस्ट्री में होती है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात यदि आप दूसरी चीज़, यदि आप आईटी में जाना चाहते हैं बी फॉर्म के बाद, अब सीआरओ या आउटसोर्सिंग की बात करूँगा, तो उसमें आपको कुछ अच्छे पैकेज मिल सकता है एज कम्पेयर टू द बीटेक। जैसे बीटेक करने के बाद आईटी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आप बी फॉर्म करने के बाद फार्मा आईटी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है मल्टीनेशनल फार्मा आईटी कंपनी स्टार्ट हो गई है, और वही आईटी कंपनी फार्मा प्रोजेक्ट स्टार्ट की है, जिसको हम लाइफ साइंस प्रोजेक्ट कहते हैं आईटी कंपनी में, और उसको हमने फार्मा आईटी का नाम दिया है। बहुत सारे फार्मा आईटी बड़ी बड़ी कंपनी है, TCS, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, L&T, इन्फोसिस, IBM, ऐसे तमाम सारे MNCs कंपनीज, बड़े बड़े जो CROs हैं उन्हें फार्मा आईटी कंपनी स्टार्ट कर दिया है। और बड़े तमाम बड़े बड़े CROs हैं, क्वांटाइल्स, परेक्सेल्सियर, ऐसे बड़े बड़े CROs हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बी फार्म के बाद आपकी ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, परंतु मैं लास्ट में ही बोलूंगा एक बार पूरी डिटेल जरूर चेक करें। पर हाँ, आउटसोर्सिंग की कम मिलती है, रेट से मिलती है, यदि आप कंटिन्यूसली यदि लगे रहते हैं यानी अपडेट रहते हैं चीज़ों से, तो आपको जॉब करने में ढूंढने में आसानी नहीं होगी। और लास्ट में ये कहूँगा, यदि बीटेक की कंपेयर में किया जाए तो फार्मेसी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको भूखे कभी नहीं मारेगा, कुछ ना कुछ काम जरूर देगा, चाहे मार्केटिंग हो, लाइसेंस यानी फार्म आप अपने खुद के लाइसेंस है आपके पास, आप फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, या इंडस्ट्री में चले जाते हैं, या CRO ज्वाइन कर सकते हैं, या अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं, या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ड्रग और लाइसेंस ले सकते हैं, ऐसा तमाम चीज़ें हैं जो फार्मेसी में देखने को मिलता है। तो मुझे यदि कहूँ तो यदि बीटेक कंपेयर में बीटेक के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है, यदि जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। पर फार्मेसी में जॉब मिल जाती है, भूखे मरने की जरूरत नहीं है, यानी कह सकते हैं आपको भुखमरी वाली हालत नहीं आएगी। जो रिसेशन आईटी में आता है, सुसाइड का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, पर फार्मेसी में ऐसा क्रिएट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, ये बी फॉर्म की जानकारी थी, आगे और भी जानकारी दूंगा। अगर आप कमेंट्स थे किस तरह का वीडियो बनाना है तो मैं